We are going to do some more questions of exercise 2.2. We have done up to question number 10. So let us start with question number 11. This is the 11th question. Baechun's father is 26 years younger than Baechun's grandfather. Baechun के जो father हैं वो उसके grandfather मतलब दादाजी से 26 साल छोटे हैं and 29 years older than Baechun. और बैचुंग से वो 29 साल बड़े हैं। The sum of the ages of all the three is 135 years. तीनों की ages का सम बैचुंग, उसके फादर और ग्रैंडफादर की ages का सम 135 years है। Then what is the age of each one of them? तो तीनों की age क्या है ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर हम बैचुंग की age कुछ मान लेते हैं। Suppose बैचुंग की age X years है। तो क्योंकि उसके फादर उससे 29 इयर्स ओल्डर थे तो इसलिए फादर की एज क्या हो गई x प्लस 29 एंड ग्रैंडफादर की एज क्योंकि जो बैचुंग का फादर थे वो ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे थे इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बैचुंग के फादर से 26 साल बड़े थे तो इसीलिए ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई बैचुंग के फादर की एज से 26 साल ज्यादा तो x plus 29 plus 26 years that is x plus 55 अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि तीनों की एजेस का सम 135 है इसलिए हम तीनों का सम इक्वल टू 135 करेंगे ये लाइक टर्म्स है x x x ऐड हो गया 3x हो गया तो 3x plus 84 इक्वल 135 और यहां से हम पहले कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये ऐड हो रहा है तो राइट साइड में सबट्रैक्ट होगा सो वी गेट 3x इक्वल 135 माइनस 84 दैट इज 51 सो x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 17 सो द प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग इज 17 इयर्स फादर्स की एज क्या हो जाएगी x प्लस 29 मींस 17 प्लस 29 और ग्रैंडफादर की एज 17 प्लस 55 दैट इज 72 इयर्स Next one, a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? एक rational number ऐसा है कि जब उसको हम 5 by 2 से multiply करें और उस result में 2 by 3 add कर दें, तो हमें minus 7 by 12 मिलेगा, तो हमें पता लगाना है कि वो number क्या है. तो suppose rational number हमारे पास x है, अब इसको हम multiply कर रहे हैं 5 by 2 से, तो x into 5 by 2 plus और उसमें multiply करने के बाद हम उसमें 2 by 3 add कर रहे हैं so plus 2 by 3 is equal to minus 7 by 12 अब इसे हम transpose करेंगे right hand side में ये add हो रहा है तो transpose होने पे minus हो जाएगा और LCM लेके इसको simplification करेंगे then you get minus 15 by 12 on the right hand side अब हमें x find out करना है तो 5 by 2 यहाँ multiply हो रहा है तो यहाँ पर ये इस दूसरी side transpose करेंगे तो 2 by 5 हो जाएगा और इसके बाद simplify करने के बाद you will get minus 1 by 2 means the rational number is minus half. The next one is Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, rupees 50 and rupees 10. The ratio of the number of these notes is 2:3:4. Rashmi एक बैंक में कैशियर है उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं और इनका जो रेशो है नंबर ऑफ नोट्स का वो 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? अगर उसके पास कुल 4 लाख रुपए हैं तो बताइए कि हर नोट कितने कितने होंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि सपोज नोट्स हैं उसके पास 100 रुपीस वाले 2x, 50 रुपीस वाले 3x और 10 रुपीस वाले 5x. अब इनकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एक नोट 100 रुपीस का उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो 2x नोट्स की वैल्यू क्या हो गई? 2x मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी तरह से 3x नोट्स हैं 50 के तो 3x नोट्स 50 की वैल्यू क्या हो गई? 50 × 3x. इसी तरह से 5 × 10x. अब इनका टोटल जो हमें वैल्यू दी थी हमारे पास उसके पास जो कैश था वो 4 लाख था सो देयर सम शुड बी इक्वल टू 4 लाख तो इसको हम ऐड करेंगे
लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, यू वी गेट 400 एक्स. नाउ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो 400 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में ले जाएंगे, सो इट बिकम्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, इट बिकम्स 1000. मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ 100 रुपीज वाले नोट्स कितने थे? 2x मीन्स 2000. 50 रुपीज वाले नोट्स 3x थे, सो 3 इंटू 1000 तो 3000 हो गया. इसी तरह से 10 रुपीज वाले नोट्स 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 रुपीज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ ट्राई टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस. थैंक यू.